देखो इन मुकाबला लग गया। कार का एंटीक अंदर का इंटीरियर देखो कि तुसा ये हिटलर के दौर की कार है जी दूजे जंगे अजीम में इस्तेमाल थी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमाली दत्त सुने पे सारा यूट्यूब चैनल सारा थल मित्र का सारा खैर खेत नो दोस्तों क्या हाल है तबीयत से ठीक है जी। मैं सारा चैनल है सारा थल इवें सारी थल जीप रैली स्टार्ट थी गई है अठवीं साढ़े घर से बिल्कुल नज़दीक है थोड़ा जुड़ कर खेने एंटरटेन करने पिछों देखो गुड़ बढ़ता पे ठीक है। ये देख गिनो कमान का सीजन शुरू थी गए थल दिया बड़िया बड़िया कीमती कीमती सौगात हैं थोड़ा दिखे सू एंटरटेन करवे सूँ थोड़ा टाइम जाया इसे करवे दे बहुत दूर दूर से मेले तक पहुंच गए हैं असल पॉइंट को आगे है मन के सारा सा पहुंच गए हैं। देखो यहीं पास इतनी पार्किंग है यहीं साइड से इतनी पार्किंग है हर पास पार्किंग है मोटरसाइकिल लेने पार्किंग दे वेच ते वाल सब जुल के करवे ने एंटरटेन सर मोटरसाइकिल लग गए पार्किंग दे वेच ते ए हुन देखो माशाल्लाह पार्किंग बड़ी वसी है। ये लोग कि पहले रकबा गिनते हैं ठेके के उत्ते इतना इन्हें गंदम बीजनी होंगी है लेकिन ये दो चार ही बार ये अपनी रोजी भी कमा गिन तो जुलते पे हम सीधा जीप रैली के उत्ते बगैर टाइम जाया करें जो जी असं तकरीबन जीप रैली से पहुंच गए हैं लेकिन इतना के इंतजाम देख गिनो ये पास टावर लगे हुए हैं पूरा ही को आर्मी लोकेटेड करें दी है रेस्क्यू भी है पी ताकि कहीं को फर्स्ट एड की तिबी इमदाद की जरूरत हो तो दे सकते हैं। ये स्कूलों के ट्रिप आए हुए हैं ये कुछ लोग हैं जो अपने ट्रैक कंप्लीट करके तो बहते पैन माशाल्लाह टीम सुल्तान वाली माशाल्लाह जी माशाल्लाह यहीं पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जी काम करनी पई है सारे अठवीं थल जीप रैली है जी सारे इलाके को माशाल्लाह इन टाइम फुल एंटरटेन की खड़ी है पूरा बहुत बड़ा इवेंट बन चुका है। इतना मुख्तलिफ कैंपिंग भी लगे खड़े हैं रेस्क्यू की तरफों भी है फर्स्ट एड वाले भी है ठीक है। ये हर हर टीम दे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एडो ये गाड़ी भी निकल आई है माशाल्लाह ए ट्रैक दे पिछों मोटरसाइकिल दे पिछों वेंदे पे चेकन कीते उन्हां को ठीक है। लेकिन इतना जट जिम्मेदार बंदे को साकू आखू असा इवें मोटरसाइकिल भजाई वेसू हेलमेट तो इतना ये लाई वदन वो टिब्बे के उत्ते मोटरसाइकिल वो चला सकते जो टिब्बे के रहने वाले बंदे देखो जी ए भी उं गड्या मोटरसाइकिल दे पिछों वेंदे पेन ताकि कोई जख्मी ना थी वने कोई उन्हां को चेकन कीते यहीं पास है सारी जीप रैली है तो ये सारा फंक्शन है माहौल है ये बिलाल भाई भी सारे नाल हैं ठीक है। यहीं साइड से एक अलग फेस्टिवल होता है जिहड़ा कि सराइकी कल्चर को प्रमोट करते हैं लोग आने यहीं पास घोड़े का नेज़ेबाजी का कबड्डी का मैच थी ग्राउंड स्टेडियम तैयार थी ना पे ठीक है। माशाल्लाह यहीं दफ़ा बड़ी बड़ी प्यारी तो हैवी मशीनरी भी आई खड़ी है सारा पूरा एक सेटअप है प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज करने क्या बात है क्या बात है हाली लोग आते पैन ये 1973 मॉडल है प्योर जेनुइन है मॉडल के इंटरव्यू खेने के ओरिजिनल लेके आए पूरी जीप रैली एक साइड से लेकिन ये गाड़ी की वैल्यू एक साइड से सारे लोग इन्हें मॉडल के इंटरव्यू करने खड़े बंदा
ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਨੇ ਦੇ ਫੀਚਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹਨ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਆ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੀਪ ਰੈਲੀ ਦੇ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪਾਵਾ ਹੈ, ਪਾਵਾ ਬਹੁਤਾਂ ਬਹੁਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੇ ਪਾ ਜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਹੁਣ, ਬਸ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਵਧੀਆ ਗੁਸਾਰੇ ਲੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਵੀ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਵਧਣ। ਇਹ ਬਸ ਟੈਂਟ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੈਕ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੜਨ ਥੇ, ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਪਏ ਹਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਫਾਈਨਲ ਲੁਹਾਰਾ ਸੂ। ਪੇੜ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਗਲਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਰ ਫਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਾਮਾਤ ਤਕਸੀਮ ਥੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਲੈਜੈਂਡ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਦੀਵਾਰ ਬਾਅਦ ਆਸੋ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਵਾਪਸੀ ਥਾਂ।